हेलो आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कंपाउंड स्टेटमेंट्स इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार हैं जिसमें हम सबसे पहले कंपाउंड स्टेटमेंट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद एंड तथा और वर्ड्स की ट्रूथ वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में कैटेगरीज ऑफ और के बारे में जानेंगे इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हमें एक स्टेटमेंट P1 वन गिवन है जो कि है हरी लाइक्स म्यूजिक एक और स्टेटमेंट P2 टू गिवन है जो कि है हरी लाइक्स डांस अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बनाना चाहें तो ऐसा हम दो मेथड से कर सकते हैं उनमें पहला यह है कि या तो हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को एंड वर्ड का यूज करके कंबाइन करें इससे जो कंबाइंड स्टेटमेंट प्राप्त होगा उसे स्टेटमेंट पी से डिनोट किया गया है जो कि है हरी लाइक्स म्यूजिक एंड डांस मतलब हरी म्यूजिक और डांस दोनों को लाइक करता है इसी प्रकार स्टेटमेंट्स P1 एंड P2 को और वर्ड का यूज करके कंबाइन करें तो एक स्टेटमेंट क्यू प्राप्त होगा जो कि है हरी लाइक्स म्यूजिक और डांस मतलब हरी या तो म्यूजिक को लाइक करता है या फिर डांस को और या फिर दोनों को ही लाइक करता है तब स्टेटमेंट्स P एंड Q को ही कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहा जाता है मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स जो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट स्टेटमेंट्स से मिलकर बने होते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहलाते हैं अगर दिए गए कंपाउंड स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट स्टेटमेंट्स की बात करें तो स्टेटमेंट्स P1 एंड P2 को कंपोनेंट स्टेटमेंट्स कहते हैं इन कंपोनेंट स्टेटमेंट्स को कनेक्टिंग वर्ड्स एंड तथा और से जोड़ा गया है जिन्हें कनेक्टिव्स कहा जाता है तो अभी तक हमने यह सीखा कि दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स की हेल्प से कनेक्टिव्स एंड तथा और का यूज़ करके दो अलग अलग कंपाउंड स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं अब अगर एक स्टेटमेंट इस प्रकार है कि थर्टी इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री फाइव एंड सिक्स तो क्या आप इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं तो चलिए हम इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं पहला कंपोनेंट स्टेटमेंट यह होगा कि थर्टी इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट यह होगा कि थर्टी इज अ मल्टीपल ऑफ फाइव एंड तीसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट यह होगा कि थर्टी इज अ मल्टीपल ऑफ सिक्स तो इस प्रकार हमने एक दिए हुए कंपाउंड स्टेटमेंट के तीन डिफरेंट कंपोनेंट स्टेटमेंट्स प्राप्त कर लिए हैं तो क्या इन कंपोनेंट स्टेटमेंट्स का कनेक्टिव फाइंड आउट किया जा सकता है यहां वी कैन क्लियरली सी दैट कनेक्टिव एंड का यूज किया गया है आई होप कि आप सभी को कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे